जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:53 AM और मार्केट ने एक अहम स्तर भी तोड़ा है, दैट इज 10676, जो पिछले वीक का लो है उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। देख लीजिए आप, अब मार्केट को तभी हमको बाई करके जाना चाहिए जब अगर ये 7676 के ऊपर क्लोज करने की ताकत रखता है। 676 तो नज़दीक है, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि कल वाला लग रहा है अब तो ट्रैप है। तो मैंने एक अपने तरफ से एक बाय कॉल दिया है, क्योंकि मुझे अभी भी जो मेरा कंडीशन है, मुझे मालूम है कि मार्केट इज़ प्लेइंग ए गेम। तो 11 मिनट्स अगो आई गेव ए सिंपल बाय कॉल, जो लोग रिस्क टेकर्स है वो इस पे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 10553 जो पहले का ब्रेकआउट है उसको बेस मान के मैं 499 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, और मेरा टारगेट है 11200। तो टारगेट काफ़ी बड़ा इसमें मिला आपको, और स्टॉप लॉस जो है इसका 170 पॉइंट का, 170 पॉइंट्स यू कैन लूज वंस द स्टॉप लॉस गेट्स हिट। तो 170 पॉइंट अगर खो सकते हो तो ही इसको लेना, और 11200 टिल एक्सपायरी लिख रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और दूसरा हमारा ये एक्टिव हो गया, 88 से 89 के लिए बोला था मैंने, तो 88.70 का इसमें लो बना दिया। तो फ्यूचर्स वालों के लिए एक्टिव हो गया, स्पॉट वाले कहीं पे भी ले, क्योंकि मैंने स्पॉट वालों को लिखा कल 86 से 87 इज योर बेस्ट बाई। तो डिलीवरी वालों को क्या है, अभी ले लो, 1 रुपया घटने पे और ले लो। लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं एक वन साइडेड सेलिंग दिखा रहा है, तो आज देखने लायक रहेगा कि अब ये जो 11 बजे के बाद का मूव इसका क्या होता है। अभी 10:55 हो गई है, तो ऑलरेडी हमारा एक क्रूशियल लेवल जो पिछले वीक का इसने मेंटेन किया था, यानी कि इसने क्या किया, कल हाई को भी तोड़ा और आज लो को भी तोड़ दिया। पिछले वीक का जो रेंज बनाया था इसने 676 से 847 का रेंज बनाया था पिछले वीक में, पूरे वीक में एक ही रेंज थी, 847 ऑन द हायर साइड एंड 676 ऑन द लोअर साइड। तो कल इसने हायर साइड वाले को तोड़ा, आज लोअर साइड वाले को तोड़ा। अब इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसको आज क्लोज कहाँ करता है, उससे पता चलेगा कि इसने एक्चुअल में किसको तोड़ा है। ठीक है, इसको स्टडी करने का तरीका ऐसा ही है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है, जिस तरह से सेलिंग आ रही है, इट इज़ लुकिंग लाइक कि द नॉट विलिंग टू गो अप, निफ्टी इज़ नॉट विलिंग टू गो अप। तो मैं यही बोलूँगा, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो यहाँ पे ज़रूर निफ्टी बाई करे, 499 का स्टॉप लॉस ले ले, और स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो ट्रिगर होता है तो आप निकल जाएंगे, और आप 11200 के लिए शांति से बैठे रहिए। बट राइट नाउ द सिचुएशन इज फेवरिंग बीयर्स राइट नाउ, सो हु नोज कि कभी कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन लगता है कि पूरी मंदी आ गई, और जो ट्रेंड है मार्केट उसी को सपोर्ट करता है। अल्टीमेटली जो क्लोजिंग आती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हायर साइड में आती है, तो वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मुझे बता रहा है। सो आई एम रेडी फॉर दैट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लेट अस सी व्हाट इज़ द क्लोजिंग। तो मेरा ये कॉल है, मगर ये जिसके पास 170 पॉइंट खोने की ताकत है वो ले सकता है।